स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पास या दर्रा दो पहाड़ियों के बीच नेविगेबल गैप को कहते हैं। आसान शब्दों में कहें, एक ऐसा रूट होता है जिसके थ्रू लोग पहाड़ के इस पार से उस पार ट्रैवल कर सकते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री, इन पासेस ने माउंटेन्स या हिल से सेपरेटेड दुनिया के दो अलग अलग सिविलाइजेशंस के बीच आइडियाज और कम्युनिटीज के एक्सचेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, खैबर पास, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है, हजारों साल से सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच एक की ट्रेड रूट के रूप में इस्तेमाल होते आया है। ऐसे ही कई माउंटेन पासेस इंडिया में भी सिचुएटेड हैं, जिनका इंडिया की हिस्ट्री को शेप करने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कई माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, और इन रेंजेस ने सदियों तक भारत को एक नेचुरल प्रोटेक्टिंग बॉर्डर प्रोवाइड किया है। लेकिन वहीं रेंजेस के अक्रॉस मौजूद वेरियस पासेस ने एंशियंट ट्रैवलर्स और इन्वेडर्स को इंडिया में एंटर करने का रास्ता प्रोवाइड किया है। अलेक्जेंडर भी 326 BC में भारत को कंकर करने के मकसद से खैबर पास के थ्रू ही आया था। इसी तरह कई चाइनीज ट्रैवल्स जैसे फाहीन इंडिया हिमालय के पासेस के थ्रू ही इंडिया में आए थे। साथ ही इन्हीं पासेस के थ्रू स्पाइसेस, म्यूसलिन और दूसरे कम्युनिटीज ट्रेड के लिए भारत से दूसरे देशों तक ले जाए जाती हैं। वहीं आज भी ये माउंटेन पासेस भारत के डिफरेंट पार्ट्स और इवन दूसरे देशों के बीच कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम भारत के कुछ मेजर माउंटेन पासेस को एक एक करके मैप के जरिए लोकेट करेंगे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ hours का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 22 July को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी, तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। तो इंडिया में माउंटेन पासेस मेनली 3 regions में लोकेटेड है। पहला वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मौजूद पासेस शामिल हैं। दूसरा ईस्टर्न हिमालयाज में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, और तीसरा पेनिनसुलर इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले हम जिन पासेस की बात करने वाले हैं वो लद्दाख रीजन में सिचुएटेड है। यूं तो लद्दाख में कई माउंटेन पासेस सिचुएटेड हैं, जिसकी वजह से इसे लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है। लेकिन खरदुंगला, टागलांगला, जोजीला और चांगला यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के नाम हैं। ला शब्द का मतलब पास ही होता है। खरदुंगला, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, खरदुंगला लद्दाख के कैपिटल ले के नॉर्दर्न साइड में सिचुएटेड है। सी लेवल से 17,582 feet के ऑल्टीट्यूड पे लद्दाख रेंज पर लोकेटेड ये पास वर्ल्ड के हाईएस्ट नेविगेबल पासेस में से एक है। ये पास इंडस रिवर वैली और श्योक रिवर वैली को कनेक्ट करने के साथ साथ नुब्रा वैली को एक्सेस करने के गेटवे की तरह भी काम करता है। खरदुंगला डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू सियाचिन ग्लेशियर तक सप्लाईज कैरी की जाती हैं। टागलांगला, ट्रांसकर रेंज पर सिचुएटेड टागलांगला पास लद्दाख का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पास है। ये पास लेह से मनाली के बीच मौजूद NH3 पर लोकेटेड है। जोजीला कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास सब डिवीजन में मौजूद है। ये पास कश्मीर वैली को द्रास और सुरू वैली से कनेक्ट करता है, और इसी वजह से जोजीला पास भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। साल 1948 में फर्स्ट कश्मीर वॉर के दौरान गिलगित रेबल्स ने लद्दाख को कैप्चर करने की कोशिश में जोजीला पास को सीज कर लिया था। हालांकि 1 November 1948 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने ऑपरेशन बिसोन के तहत इसे फिर से कैप्चर कर लिया था। हैवी स्नोफॉल के कारण ये पास विंटर में करीब 6 महीनों के लिए ब्लॉक रहता है, लेकिन कुछ साल से BRO ने टाइम टू टाइम रास्ते से स्नो को क्लियर कर
इसे कम समय में ही ओपन करने की कोशिश करी है। करेंटली यहाँ जोजिला टनल के कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन से जोजिला को क्रॉस करने का टाइम 3 आवर से डिक्रीज होकर 15 मिनट्स रह जाएगा। लास्ट पास है छांगला। लद्दाख रेंज ले और श्योक रिवर वैली पर सिचुएटेड है ये पास। छांगला पास लद्दाख रीजन का थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है। सोर्सेस के अनुसार छांगला पास का नाम साधु छांगला बाबा के नाम पे पड़ा था और वहां उनके नाम पे एक मंदिर भी बनाया गया है। छांगला नुब्रा रीजन को एक्सेस करने के लिए मेन गेटवे का काम करता है। साल 2015 में डीआरडीओ ने छांगला पास पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किया था। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में 3 मेन पासेस लोकेटेड हैं, जिनमें शामिल है बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। सबसे पहले बात करते हैं बुर्जिल पास की। ये पास श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला सबसे पुराना पास है। ये पास भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 30 किलोमीटर दूर है। क्योंकि इस पास का हिस्सा POK में चला गया है, इसलिए ये पास भारत के लिए नॉन फंक्शनल है। पीर पंजाल पास। पीर पंजाल रेंज पर लोकेटेड पीर पंजाल पास, जिसे पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है, ये कश्मीर वैली को जम्मू के रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट से मुगल रोड के थ्रू कनेक्ट करता है। हिस्टोरिकली पीर पंजाल पास महत्वपूर्ण रहा है। मुगल एम्परर अकबर ने कश्मीर वैली को कंकर करने के बाद इस रूट को एक्सटेंड कर लाहौर से कश्मीर तक एक इंपीरियल रोड कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके अलावा महाराजा रंजीत सिंह ने भी ईयर 1814 में कश्मीर वैली में दुरारी एम्पायर को पार्शली पीर पंजाल पास के थ्रू इन्वेट किया था। बनिहाल पास। बनिहाल पास भी 2832 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। ये कश्मीर वैली को आउटर हिमालय और साउथ के प्लेन एरिया से कनेक्ट करता है। हालांकि जवाहर टनल के कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये रूट नॉन फंक्शनल हो गया है। हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 70 से भी ज्यादा माउंटेन पासेस हैं, जिनमें से कुछ वहां के अब्रप्टली बदलते क्लाइमेट कंडीशंस के कारण बेकार हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर पास धौलाधार माउंटेन रेंज में लोकेटेड हैं, लेकिन बारालाचा पास, रोहतांग पास, शिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड कुछ मेन पासेस हैं। बारालाचा पास। ये पास जांस्कर रेंज में सी लेवल से 4,890 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख के लेह से कनेक्ट करता है। करेंटली एक रेल कम रोड टनल का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बारालाचा और लुंगालाचाला और लद्दाख के टांगलांगला के करीब किया जा रहा है, ताकि NH3 यानी लेह मनाली और अंडर कंस्ट्रक्शन भानुपाली लेह लाइन के ट्रैफिक को कैटर किया जा सके। रोहतांग पास। रोहतांगला पीर पंजाल रेंज पे सी लेवल से 3,980 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। ये कुल्लू वैली से लाहौल और स्पीति वैली के लिए मेन गेटवे का काम करता है। बात करें शिपकिला पास की, तो ये इंडिया में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और चाइना के नगारी प्रीफेक्चर के बीच बॉर्डर एरिया पर मौजूद है। ये पास किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। सुतलज नदी भारत शिपकिला पास के थ्रू ही एंटर करती है। करंटली ये रूट बॉर्डर के अक्रॉस स्मॉल स्केल ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरे बॉर्डर पासेस की तरह शिपकिला पास पे भी रेसिडेंट्स का जाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा कुंजुम पास, हमता पास, कुक्ती पास, साच पास, जलोरी पास, इंद्रहार पास हिमाचल में लोकेटेड लेस फेमस लेकिन इम्पॉर्टेंट पासेस हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड में भी 40 से ज्यादा छोटे बड़े पासेस मौजूद हैं। इनमें ट्रेल्स पास, लिपुलेख, माना पास और नीति पास कुछ मेजर पासेस के नाम हैं। ट्रेल पास पिंडारी ग्लेशियर के एंड में सिचुएटेड है और ये पिंडारी वैली और मिलाम वैली को कनेक्ट करता है। तो वहीं लिपुलेख पास उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। साथ ही लिपुलेख कैलाश और मानसरोवर जाने का भी रास्ता प्रोवाइड करता है। ये भारत, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन की प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है। करेंटली लिपुलेख भारत और नेपाल के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन है। लिपुलेख का सदर्न हिस्सा, जिसे कालापानी टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, पिछले कुछ वर्षों से भारत नेपाल के बीच जियोपॉलिटिकल टसल का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल ये पास है तो इंडिया के कंट्रोल में, लेकिन नेपाल इसे अपने टेरिटरी क्लेम करता है। अब चलते हैं माना पास की तरफ। ये पास भी उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। ये एंशियंट टाइम में इंडिया और तिब्बत के बीच एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। इसके अलावा सरस्वती रिवर माना पास से ही ओरिजिनेट होती है, जो कि बाद में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। नीति पास। ये पास भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और एक एंशियंट पीरियड में दोनों देशों के बीच एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। हालांकि 1962 सिनो इंडियन वॉर के बाद इस रूट को सील कर दिया गया था।
दोस्तों नॉर्दर्न इंडिया की ही तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कई इंपॉर्टेंट पासेस मौजूद हैं, जैसे कि नाथुला, जिलेपला, बोमडिलाला, यांगयाप पास, दिहांग पास, दिफू पास, पंगसाऊ पास और चौकन पास। इनमें से नाथुला और जिलेपला सिक्किम में लोकेटेड हैं और रस्ट पासेस यानी बोमडिला, यांगयाप पास, दिहांग पास, दिफू पास, पंगसाऊ पास और चौकन पास अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं। सिंस ये सारे पासेस या तो इंडिया चाइना या फिर इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर लोकेटेड हैं, ये भारत के लिए स्ट्रेटजिकली काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्किम से। तो सबसे पहले बात करते हैं नाथुला पास की। सिक्किम में सिचुएटेड नाथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है। सी लेवल से 4,310 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड ये पास कालिम्पोंग और गैंगटॉक शहर को चुम्बी वैली के गाँव से कनेक्ट करता है। नाथुला पास एंशियंट सिल्क रूट का पार्ट है और आज के समय में भी इसके थ्रू इंडिया और चाइना के बीच कॉमोडिटीज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा नाथुला पास रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी सिग्निफिकेंट है, सिंस ये मेजर हिंदू और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जैसे मानसरोवर लेक और ल्हासा जाने तक की डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है। इसी तरह 14,390 फीट एलिवेशन पर मौजूद जिलेपला सिक्किम और तिब्बत के बीच मौजूद एक हाई माउंटेन पास है। ये तिब्बत के ल्हासा से इंडिया को कनेक्ट करने वाले रूट पर मौजूद है। इस पास के फुटल्स पर फेमस मेनमेचो लेक भी मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित बोमडिला और यांगयाप पास इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। वहीं दिहांग पास, पंगसाऊ पास और चौकन पास इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है। बोमडिला तिब्बत के सोना काउंटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। 1962 सिनो इंडिया वॉर के दौरान चाइनीज आर्मी ने इसी पास का इस्तेमाल करके भारत को इन्वेड करने के लिए निकला था। वही 3,962 मीटर ऑल्टीट्यूड पर मौजूद यांगयाप पास इंडिया चाइना बॉर्डर पर सिचुएटेड है। सिमिलरली 4,000 मीटर के एलिवेशन पर मौजूद दिहांग पास इंडिया और म्यांमार के बीच एक पैसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। इन सब के अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक और इम्पॉर्टेंट पास है और वो है दिफू पास। दिफू पास मैकोहन लाइन पर सिचुएटेड है और ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को तिब्बत से सेपरेट करता है। ये चाइना, इंडिया और म्यांमार के डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट बॉर्डर के अराउंड लोकेटेड है। दोस्तों राजस्थान में दो मेजर पासेस लोकेटेड हैं, हल्दी घाटी पास। पहला है हल्दी घाटी पास। अरावली रेंज में सिचुएटेड ये पास राजस्थान के राजसमंद और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। हल्दी घाटी पास में ही 18 जून 1576 को फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मान सिंह वन को हराया था। दूसरा है गोरान घाट। ये पास उदयपुर शहर को राजस्थान के जलोर और सिरोही शहर से कनेक्ट करता है। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे फेमस पास है असीरगढ़ फोर्ट पास। असीरगढ़ फोर्ट पास सतपुड़ा रेंज में एमपी के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इसे अहिर डायनेस्टी के किंग असा अहिर ने डेक्कन प्लेटू को नॉर्थ इंडिया से कनेक्ट करने के मकसद से बनाया था। असीरगढ़ फोर्ट पास को दक्कानी दरवाजा यानी कि डेक्कन के गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में कई पास लोकेटेड हैं, जिनमें शामिल है भोर घाट पास, थूल घाट, अंबा घाट पास, चोरला घाट पास, मलशेज घाट पास, नाने घाट पास, तमिनी घाट, अंबोली घाट और कुंभारली घाट पास। इसमें भोर घाट पास और नाने घाट पास हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट पासेज हैं। भोर घाट पास मुंबई और पुणे के बीच लोकेटेड है। ये एक एंशियंट ट्रेड रूट हुआ करता था, जिसे सतवाना डायनेस्टी के रूलर ने कोंकण कोस्ट और डेक्कन प्लेटू के सराउंडिंग एरियाज के साथ ट्रेड करने के लिए डेवलप किया था। 1781 में भोर घाट में बैटल ऑफ भोर घाट फॉट हुई थी, जिसमें मराठा एम्पायर ने ब्रिटिश को डिफीट कर दिया था। महाराष्ट्र का ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट पास है नाने घाट पास, जिसे नाना घाट के नाम से भी जाना जाता है। नाने घाट वेस्टर्न घाट्स के सह्याद्री रेंज पर लोकेटेड है और ये महाराष्ट्र के पुणे को जुन्नर शहर से कनेक्ट करता है। नाना घाट एक एंशियंट ट्रेडिंग रूट का मेजर हिस्सा हुआ करता था। मराठी में नाने वर्ड का मतलब होता है कॉइन, इसलिए इसका नाम नाने घाट पड़ा, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में इस रूट को यहाँ से क्रॉस कर रहे ट्रेडर से टोल्स कनेक्ट करने के लिए टूल बूथ की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस रीजन में कई केव्स लोकेटेड हैं और यहाँ एक फेमस केव भी लोकेटेड है, जिसकी दीवारों पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में संस्कृत इंस्क्रिप्शंस इंग्रेव्ड हैं। दोस्तों साउथ इंडिया में दो मेजर पासेस लोकेटेड हैं। पहला पलक्कड़ घाट या पाल घाट और दूसरा पास है शेनकोट्टा गैप। पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बतूर और केरला के पलक्कड़ के बीच लाई करता है। वहीं शेनकोट्टा गैप तमिलनाडु के मदुराई सिटी को केरला के कोटायाम सिटी से कनेक्ट करता है।
और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि और भी कौन से इंपॉर्टेंट पासेज हैं जो शायद इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं और उनकी इंपॉर्टेंस स्ट्रेटजिक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए नाथूला इज सिचुएटेड ऑन काराकोरम रेंजेस। स्टेटमेंट बी शिपकीला एंड नीति पास लोकेटेड इन उत्तराखंड। स्टेटमेंट सी खरदुंगला कनेक्ट इंडस एंड श्योक रिवर वैलीज। ऑप्शन डी असीरगढ़ फोर्ट पास इज लोकेटेड इन राजस्थान। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।